मात्र 300 सेकंड के अंदर 30 आने वाली जबरदस्त फिल्म के बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पर स्प्रिट, इस फिल्म के लिए इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि इस फिल्म को एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेनिवांगा डायरेक्ट करने वाले हैं। ऊपर से प्रभास अपने पूरे करियर में पहली बार पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में इस फिल्म में नजर आएंगे। और दूसरा फिल्म है SSM E29 जिसको डायरेक्ट करने वाले बाहुबली और RRR के डायरेक्टर SS Rajamouli, और ऊपर से इस फिल्म में लीड रोल में महेश बाबू नजर आने वाले हैं। जो कि इस फिल्म का बजट है 1000 करोड़, जो कि ये फिल्म हमें 2026 में देखने को मिलेगा। और तीसरा फिल्म है Bhool Bhulaiya 3, ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है और अभी हॉरर कॉमेडी फिल्म ही सिनेमाघर में इतिहास रच रही है। जो कि स्त्री 2 जो आई थी, जो कि इतिहास रच दिया, हिंदी भाषा की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई। ऊपर से भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन के साथ काफ़ी बड़े स्टार नजर आने वाले हैं, जो कि सिनेमाघर में 1 नंबर को रिलीज होगा। चौथा फिल्म आने वाला है सलमान खान की सिकंदर, जिसको AR Murugdas डायरेक्ट करने वाले हैं, जो किससे पहले गजनी जैसी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। सिकंदर E 2025 पर रिलीज होगा। और नंबर 6 पे फिल्म आने वाली RC 16, जिसमें लीड रोल में रामचंद्र नजर आएंगे और रामचंद्र के साथ जाह्नवी कपूर नजर आने वाली है। नंबर 7 पे फिल्म आने वाली है Border 2, जो कि Border 1 का सीक्वल होने वाला है। इस फिल्म में फिर से सनी देओल लीड रोल में नजर आएंगे और इस बार सनी देओल के साथ वरुण धवन नजर आने वाले हैं। नंबर 8 पे फिल्म आने वाली है रामायण, रणवीर कपूर की एनिमल के बाद अगली फिल्म होने वाली है रामायण, जिसमें रणवीर कपूर के साथ रॉकिंग स्टार यश भी नजर आने वाले हैं। और नंबर 9 पे फिल्म आने वाली है भूत बंगला, अक्षय कुमार जबरदस्त कमबैक करने वाले इस फिल्म से, क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले प्रियदर्शन, जिसके साथ अक्षय कुमार हेरा फेरी और भूल भुलैया जैसी फिल्म को एक साथ काम कर चुके हैं। और नंबर 11 पे फिल्म आने वाली है Pushpa Part 2, Pushpa Part 1 ने तबाही मचाया था और Pushpa Part 2 इतिहास रचने आ रही है, जिसमें फिर से अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आने वाली है। नंबर 11 पे फिल्म आने वाली है जिगरा, जो कि आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आने वाली है और आलिया भट्ट अपने दम पे फिल्म हिट करा सकते हैं। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर जाने वाली है, जिसका जैसा इसका टीजर था। नंबर 12 पे फिल्म आने वाले बेबी जॉन, जिसमें लीड रोल में वरुण धवन एक्शन करते हुए नजर आएंगे। पहली बार प्रॉपर एक्शन फिल्म होने वाली है वरुण धवन की करियर की, जो कि कहा जा रहा था कि इटली कुमार और थलापति विजय की थ्री फिल्म का रिमेक होने वाला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। इस फिल्म की कहानी डिफरेंट होने वाला है, जो कि काफी जबरदस्त होने वाला बेबी जॉन। और नंबर 14 पे फिल्म आने वाली है देवा, जिसमें लीड रोल में शाहिद कपूर नजर आएगी, जो कि ये फिल्म हमें वैलेंटाइन डे पे 2025 में देखने को मिलेगा। जो कि देवा फिल्म में पूजा हेगड़े शाहिद कपूर के साथ लीड रोल में नजर आने वाली है। नंबर 15 पे फिल्म आने वाले सितारे जमीन पे, जो कि लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान इस फिल्म से कमबैक करने जा रहे हैं। कमबैक तो नहीं बोलेगा, क्योंकि एक ही फिल्म फ्लॉप हुआ था आमिर खान का, तो कमबैक हो ही है। ये फिल्म आएगी तो इतिहास ही रचेगी, क्योंकि आमिर खान की जब भी फिल्म आती है इतिहास रचती है। और ये सितारे जमीन पे एक फैमिली ड्रामा ही फिल्म होने वाली है। नंबर 16 पे फिल्म आने वाली लकी भास्कर, जिसका इसका टीजर था, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट कर दिया इस फिल्म को देखने के लिए। ऊपर से दुलकर सलमान लीड रोल में, ये फिल्म तो प्रॉपर ब्लॉकबस्टर जाने वाली है। नंबर 17 पे फिल्म आने वाले कंगुआ, जिसमें लीड रोल में सूर्या नजर आएंगे और सूर्या अलग कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं, जो कि हॉलीवुड जैसा लग रहा था। ऊपर से सूर्या के साथ बॉबी देओल विलन के तौर पर नजर आने वाले, जो कि मूवी तो बवाल होने वाली है। और नंबर 18 पे फिल्म आने वाली है सूर्या 44, सूर्या की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होने वाली है। जिस तरह का इसका टीजर था, इतना गैंगस्टर बेस्ड फिल्म होने वाली है और सूर्या का चलने वाला जो स्वैग था, पूरा दीवाना बना दिया था। नंबर 19 पे फिल्म आने वाले द किंग, शाहरुख खान ने जो पठान, जवान, टंकी के बाद फिल्म का लाइनअप खत्म कर दिया, जो कि डायरेक्ट अब 2026 में द किंग आने वाली है, जिसमें शाहरुख खान के साथ सुहाना खान नजर आएगी। नंबर 20 पे फिल्म आने वाले सलमान खान और इटली कुमार की अगली जो एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जो कि काफी बड़े लेवल बनाया जा रहा है। ऊपर से इस फिल्म में सलमान खान के साथ कमल हासन नजर आने वाले हैं। नंबर 21 पे फिल्म आने वाली है NTR 31, जो कि जूनियर NTR के साथ प्रशांत नील बनाने वाले हैं। नंबर 22 पे फिल्म आने वाले Salaar 2, जो कि प्रभास Salaar 1 से ही तबाही मचा दिया था, जो कि Salaar 2 से तो इतिहास रचेगा, जिसको फिर से प्रशांत नील डायरेक्ट करेंगे। और नंबर 23 पे फिल्म आने वाले Son of Sardar 2, जो कि पहला पार्ट इतना ज्यादा कॉमेडी था, दूसरा पार्ट में तो और जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलेगा, जिसमें अजय देवगन के साथ मृणाल ठाकुर इस बार लीड रोल में नजर आएगी। नंबर 24 पे फिल्म आने वाली है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जो कि मैडॉक सिनेमेटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है, जिसमें लीड रोल में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना नजर आएगी। नंबर 25 पे फिल्म आने वाली है ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की War 2, जो कि स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। नंबर 26 पे फिल्म आने वाले Brahmas Part 2, जो कि Brahmas Part 1 जो ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था, उस फिल्म का VFX काफी लाजवाब था, जो कि Brahmas Part 2 में तो और ग्रैंड लेवल का भी VFX देखने को मिलेगा। नंबर 27 पे फिल्म आने वाले Dhadak 2, जिसमें सिद्धार्थ चतुर्वेदी लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जो कि पहला पार्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था, लेकिन इस फिल्म में सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति देवड़ी नजर आने वाली है। नंबर 27 पे फिल्म आने वाले Toxic, जिसमें लीड रोल में रॉकिंग स्टार यश नजर आने वाले हैं। और KGF 2 के बाद रॉकिंग स्टार यश की अगली फिल्म होने वाली है, जो कि बवाल होने वाली है, जो कि गैंगस्टर बेस ही फिल्म होने वाली है। और नंबर 28 पे फिल्म आने वाले छावा द ग्रेट वॉरियर, जिसमें लीड रोल में विक्की कौशल नजर आएंगे और मैडॉक प्रोडक्शन हाउस वाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस फिल्म में विक्की कौशल का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, इतना जबरदस्त लग रहा था, मूवी देखने के लिए एक्साइटमेंट किया था और गूज़बम्प्स ला दिया था इस फिल्म का टीजर। नंबर 29 पे फिल्म आने वाली है Pathaan 2, जिसको सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्ट करने वाले, जो कि पहला पार्ट को डायरेक्ट कर चुके हैं। जो कि Pathaan 2 भी स्पाई यूनिवर्स का पार्ट होने वाला, जिसका बजट होने वाला 600 करोड़ के आसपास। ये फिल्म भी इतिहास रचेगी जब भी आएगी। और नंबर 20 पे फिल्म आने वाली है राजा साहब, जो कि प्रभास
इस फिल्म में रोमांटिक एंगल में नजर आने वाले हैं, जो कि इसका टीजर देखिएगा तो आप भी इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रभास अलग कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, जो कि जैसा कल्कि में और सलार में अवतार था डिफरेंट कैरेक्टर में जाएंगे, जो कि बॉक्स ऑफिस तो फाड़ेगी।